यशोदा लोधी जी हैं जो कि इंग्लिश विथ देहाती मैडम के नाम से यूट्यूब चैनल चला रही हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं, कैसे आप इसको करती हैं ये बताइए। तो सबसे पहले भैया जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके चैनल के थ्रू आके, ये भारत समाचार जो चैनल है, इसके थ्रू आके मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पा रही हूँ और अपनी जो बातें हैं लोगों के सामने रख पा रही हूँ, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम यशोदा है और आजकल लोग मुझे देहाती मैडम के नाम से जानते हैं, क्योंकि मेरा जो चैनल का नाम है वो इंग्लिश विद देहाती मैडम है, जो कि बहुत ही यूनिक है और लोगों को यूनिक लगता है। और अगर बात बोले काम करने की, तो इस चैनल पे मैं 1 साल से काम कर रही हूँ, और इस चैनल पर काम करने का मोटिवेशन भी मुझे यूट्यूब से ही मिला, क्योंकि यूट्यूब मेरे लाइफ में आया तो एक तरह से खुशियाँ आई। और जब भी कभी मुझे लगता है कि मैं डीमोटिवेट हो गई हूँ, मैं हार मानना चाहती हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो वही मुझे प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए कि अगर किसी चीज़ की शुरुआत की है तो इसको ख़त्म करना भी तुम्हारा ही फर्ज है, क्योंकि तुम्हारी इस जर्नी से सिर्फ तुम नहीं जुड़ी हुई, इसमें से बहुत सारी औरतों को प्रेरणा मिलती है, स्पेशली जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जिनके पास इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं होती है, तो वो प्रेरणा मुझे वही उन्हीं से ही मिलती है, और साथ ही साथ मेरी फैमिली भी होती है। YouTube में कैसे और कब आप जुड़े हैं, कब से आप जुड़े हैं, क्या लक्ष्य है, एम क्या है आपका? यूट्यूब पर जुड़े मुझे फिलहाल अभी 2 साल के करीब होने वाले हैं, पर अगर मैं बात करूँ इस चैनल की, तो इस पे काम करते हुए मुझे अभी 1 साल ही हुआ है, क्योंकि ये मेरी जरूरत थी, मुझे अपने हस्बैंड के लिए कुछ करना था, क्योंकि घर में जब दिक्कत होती है पैसों की, और जब पैसे नहीं होते तो आपके खुद के सगे संबंधी भी नहीं होते। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो मुझे समझ आया कि पैसों की वैल्यू क्या होती है, कौन अपना है, कौन पराया है, और तब मैंने निश्चय किया कि मुझे अब लाइफ में कुछ करना है। बस उस टाइम पे ये था कि फोन नहीं था तो सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था, तो कुछ नहीं कर पाई। पर 1 साल बाद जब मेरे पास फोन आया तो मैंने इस पे काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे काम करते करते उन ऊंचाइयों को जो मैं पाना चाहती थी, उनको धीरे धीरे मैं अभी पा रही हूँ। ये सफलता यहीं पे खत्म नहीं होती, ये बहुत लंबी जर्नी है, और इस चैनल के माध्यम से, अपने आप के माध्यम से, अपने नॉलेज के माध्यम से मैं गांव के लोगों को, यूट्यूब से कितना पैसा आप घर बैठे कमा सकते हैं, कमा लेते हैं? इसका कहूँ तो एवरेज तो 15 से 18 या फिर 20 के करीब आ जाता है, ये कभी पर फिक्स नहीं होता, ये व्यूज के ऊपर डिपेंड करता है, कभी व्यूज ज्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं। पर अगर मैं कहूँगी तो मैं कभी स्पॉन्सरशिप टाइप की अभी वीडियो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा अभी मोटिव जो है वो कुछ सीखने का है, तो मैं इस शिक्षा के बीच में पैसे को ज्यादा अहमियत नहीं दे रही। अच्छा, भारत समाचार चैनल से माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से महिलाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि सबसे पहले उनके लिए एजुकेशन बहुत ही जरूरी है, उनको शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। अगर एक लड़की, एक महिला शिक्षित होती है, उसको एजुकेशन मिलती है, तो आगे कुछ भी कर सकती है। बिकॉज आई वॉन्ट टू से हेयर ओनली वन थिंग, दैट एजुकेशन हैज बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, एंड अ पर्सन, अ ह्यूमन बींग विदाउट एजुकेशन इज जस्ट लाइक एनिमल। ओनली एन एजुकेटेड पर्सन कैन बिकम एन आइडियल सिटीजन फॉर दिस कंट्री, एंड वी कैन प्राउडली से दैट या वी आर इंडियंस, एंड ईच एंड एवरी इंडियन हैज दैट राइट टू बी एजुकेटेड, टू बी अ नाइस सिटीजन, एंड टू हेल्प अवर कंट्री इन ईच एंड एवरी फील्ड, एंड स्पेशली वुमेन। देर शुडेंट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड फील्ड, दैट इफ देयर इज अ गर्ल इन अवर फैमिली देन शी शुडेंट हैव एनी काइंड ऑफ राइट टू बी एजुकेटेड, टू गो आउटसाइड, नो, दिस इज नॉट द गुड थिंग। यू शुड गिव राइट टू योर बेबी, ईच एंड एवरी बेबी, बेटर विच योर Why and it's the girl. Give them each and equal rights. And please make assured that there shouldn't be any kind of discrimination at your family. Give the equal give equal rights to each and every one. Your child, each and every child shouldn't be deprived of education. बिकॉज एजुकेशन ही होती है जो हमें उस मुकाम तक ले जाती है जहाँ एक इंसान पहुंचना चाहता है। A child, especially if I talk about without education, is just like nothing. We can see in village people, they don't send their kids to go, school and to be educated. But in cities, each and every family, they want their child to be educated. They want their child to be a doctor, to be an engineer, to be a pharmacist, each and everything. But that's why in village, you can see all the people who are not educated, especially the youngsters,
they have nothing to do. They are do farming, whether they are doing farming or they have only one and last option is laboring. They are doing laborer as a laborer. And I think it's not a good thing for our country, because I want each and every youngsters to be in the growth of our country, in order to develop our country. And I would say only one thing, that there's nothing in this world we can't achieve. We can achieve each and everything just because of our persistence and our desire, our passion. And there shouldn't be one thing. There should be only one thing, your consistency. You have to just work on your dream with consistency. And one day, each and every person who you are watching this video at this very moment, you can definitely achieve your dream along with all the things which you are hoping for since a very long time. And till now, I can say on my channel, there are 287,000 plus subscribers. It's a very great family. And I have gathered this much family only in a 1 year. So I can say it's a very big achievement for me. And so far, I have posted more than 68 videos. यशोदा जी, आप बताइए कि आप खेत पर हैं, यहाँ पर हम आए हुए हैं, देख रहे हैं आप अपना जितना भी जो है वीडियो यहीं शूट करती हैं। पर्टिकुलर प्लेस मेरा कोई फिक्स नहीं है, जहाँ मिल जाता है मौका, मौके पर चौका मारते हैं। और क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो एजुकेशन देना है, लोगों को मोटिवेट करना है, उसके लिए ये मायने नहीं रखता कि आप किस बैकग्राउंड में हैं, आपके पीछे का बैकग्राउंड कैसा है। एजुकेशन तो बस वही होती है कि आप ने कुछ बोला और लोगों को कुछ अच्छा लगा, लोगों इन्फ्लुएंस हुए आपकी वीडियो से, यही मेरा मोटिव होता है। मुझे घर में टाइम मिलता है, घर पे, यहाँ पे टाइम मिलता है, यहाँ पे। और इवन कि मैं ये भी बात कहना चाहूंगी, मेरी फर्स्ट वीडियो जो वायरल हुई थी, इसमें मिलियंस में व्यूज आए हुए हैं, वो मेरी यही की वीडियो थी। अच्छा, आप अभी घर में भी चले जाती हैं, वहाँ वीडियो बनाती हैं, उसके बाद जो खेत चले जाती हैं वहाँ पर भी वीडियो बनाती हैं, कैसे समय निकाल पाती हैं? घर का पूरा काम भी आपको करना पड़ता है। अगर बात करें घर के काम करने की, तो मैं सबसे पहले बताऊं, मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ। और 3 बजे उठ के, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत करनी बहुत ज़रूरी होती हैं, आपको रीडिंग प्रैक्टिस करनी होती है, आपको लिसनिंग प्रैक्टिस करनी होती है, देन स्पीकिंग भी होती है। तो मैं अपनी रीडिंग प्रैक्टिस और राइटिंग प्रैक्टिस सुबह कर लेती हूँ, 1 घंटा रीडिंग प्रैक्टिस कर लेती हूँ, देन 5 मिनट ओनली राइटिंग के लिए देती हूँ। देन दिन के टाइम में वाइल यूजिंग एयरपोर्ट्स, मैं अपनी लिसनिंग प्रैक्टिस भी कर लेती हूँ और स्पीकिंग भी कर लेती हूँ। रही बात वीडियो एडिट की, करने की, पोस्ट करने की, दोपहर में मुझे 1-2 घंटे का टाइम मिलता है, तो मैं उसमें कर लेती हूँ। अच्छा, भारत समाचार चैनल से माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इस चैनल के माध्यम से मैं उन गांव की औरतों को, उन लड़कियों को, और स्पेशली गांव के जो वो लोग हैं जिनकी सोच अभी भी वही रूढ़िवादी है कि लड़कियों को पढ़ा के कोई फायदा नहीं है, क्या करेंगी, शादी हो जाएगी, घर संभालेंगी, बच्चे संभालेंगी, तो ये समय, ये 21वीं सदी है, यहाँ पे लड़कियां आजकल बराबर चलती हैं लड़कों के साथ, तो उनको वो स्वतंत्रता चाहिए, वो उनको लिबर्टी चाहिए, और आप ही उनको देंगे तभी वो आगे बढ़ेगी। और आप उन्हें आज्ञा दीजिए स्कूल जाने की, उन्हें एजुकेट करिए, वो आपका नाम जरूर रोशन करेंगी। और उस हर एक लड़की को मैं ये कहूंगी कि अब तुम्हारा समय है ये साबित करने का कि तुम क्या हो। अगर तुम आज नहीं साबित कर पाई, तो शायद है कि शादी के बाद तुम सिर्फ चूल्हा चौका ही करती रह जाओगी। और जरूरी नहीं है कि आपकी शादी हो गई तो आप कुछ नहीं कर सकते। सफलता पाने के लिए उम्र नहीं मायने रखती, सफलता पाने के लिए आपके कैसे सरकमस्टांसेस है, क्या हालात है, वो भी मायने नहीं रखते। एक चीज मायने रखती है, जो कि है आपकी दृढ़ता। अगर आप दृढ़ हैं, आप विश्वासी हैं, तो आप जरूर ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो बस हार कर भी हार मत मानिए, सफलता की जो राह है इस पर आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। भारत समाचार के साथ आपने काफी समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद यशोदा जी। मुजम खान, भारत समाचार, कौशाम्बी।